सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आपने जो स्टार्ट में PSL वाली वीडियो देखा और अभी जो स्क्रीन पर स्लोमो एंड शॉर्ट लाइट इफेक्ट वाली वीडियो देख रहे हैं, इस तरह की वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे जो कि आजकल टिकटॉक के ऊपर और हर शॉर्ट वीडियो पे आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो इस तरह की वीडियो आपने कैसे क्रिएट करने, तो आज मैं सिंपल और इजी तरीके के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो इस बात पर आपने वीडियो को ज़रूर एंड तक लाजमी देखना है। और हाँ गाइस, अभी PSL स्टार्ट हो चुका है और आप भी इस तरह की वीडियो क्रिएट कर सकते हो और अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। तो गाइस, इस बात पर आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चले गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, इस तरह की वीडियो हम कैपकट ऐप के ऊपर एडिट करने वाले हैं, तो आपने सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ गाइस, अगर आप इंडिया से हैं तो आपने सबसे पहले VPN को ओपन करना है क्योंकि इंडिया में कैपकट बैन है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो ऊपर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कोई भी क्रिकेट वाली शॉर्ट वीडियो को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चले गाइस, यहाँ पर हमारे साथ वीडियो सेलेक्ट हो गया है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पर प्ले करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल वीडियो, इसमें कोई स्लोमो और कोई लाइट इफेक्ट ऐड नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले इसका साउंड आपने ऑफ करने और एंड में जो कैपकट का ऑटोमार के इसको आपने यहाँ पर डिलीट करने और फिर से आपने स्टार्ट में नहीं। तो गाइस, सबसे पहले जो काम है आपने यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर साउंड ऐड करना है। ठीक है, तो गाइस, आप साउंड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा कि इस तरह की साउंड आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले गाइस, हमारे साथ साउंड सेलेक्ट हो गया है, तो सबसे पहले आपने इस साउंड के ऊपर बीट ऐड करने, तो उसके लिए आपने साउंड के ऊपर क्लिक करने, ये जो नीचे ऑप्शन है इसमें आपको बीट नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करने और यहाँ पर आपने साउंड को प्ले करने और जहाँ पर बैट्समैन शॉट मारता है तो वहाँ पर आपने एड बीट करने, जो ऊपर एड बीट का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करने। तो इसी तरीके से जहाँ पर आपकी साउंड पर इफेक्ट है या बीट है तो वहाँ पर आपने एड बीट करने, जैसे मैंने किया। और गाइस, इसके बाद आपने यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर रेशो सेट करने, तो ये जो नीचे ऑप्शन है इसको आपने स्क्रॉल करने और यहाँ पर आपने रेशो में आ जाने, इस पर क्लिक करने और यहाँ पर आपने 4:3 रेशो को सेलेक्ट करने और सेलेक्ट करने के बाद आपने वीडियो को कुछ इस तरीके से जूम आउट करने स्क्रीन के बराबर। तो गैस, यहाँ पर आपने इस वीडियो के ऊपर स्मूथ स्लोमो आईफोन जैसा कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट में आने के बाद यहाँ पर जो बॉलर बाल कर रहा है तो वहाँ पर आपने वीडियो को थोड़ा प्ले करने और जहाँ पर बॉलर बाल मारता है तो वहाँ पर आपने वीडियो को स्प्लिट करने। आप वीडियो को गौर से देखें, अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को गौर से देखें। और इसके बाद आपने इस पार्ट के ऊपर क्लिक करने, नीचे स्पीड का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करने, फर्स्ट नंबर नॉर्मल का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करने और इसका जो स्पीड है इसको आपने 0.5x या 0.4x तक इसको एडजस्ट करें, जैसे आपको ठीक लगे। और गैस, यहाँ पर नीचे मेक इट स्मूदर का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करने और यहाँ पर सेकंड नंबर पर बेटर क्वालिटी पर आपने क्लिक करने, तो आपके साथ कुछ इस तरीके से स्मूथ लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इसे क्या होगा आपकी वीडियो स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, तो गैस, यहाँ पर आपने जो पस बीट ऐड किया था, ये जो स्टार्ट वाला पार्ट है इसको, ये जो बीट है इसके थोड़ा पीछे आपने इस पार्ट को एडजस्ट करना है। ठीक है, और ये जो बीट है जहाँ पर बैट्समैन शॉट मारता है तो इसके ऊपर, इस बीट के ऊपर आपने बैट्समैन का शॉट रखना है। ठीक है, तो गाइस, इसके बाद आपने वीडियो को थोड़ा आगे लेके आना है और जहाँ पर बैट से बॉल टच होता है तो वहाँ पर आपने वीडियो को स्प्लिट करने, ठीक है, कट करने है और थोड़ा आगे लेके आना है और जहाँ पर बैट्समैन का शॉट खत्म होता है तो फिर वहाँ पर आपने वीडियो को कट करने, स्प्लिट करना है। और गाइस, इस पार्ट पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे स्पीड में आना है और सेकंड नंबर पर कर्व्स का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेकंड नंबर पर कस्टम का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है, एडिट्स पर क्लिक करना है और आपके साथ कुछ इस तरीके से बीट्स ओपन हो जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट नंबर बीट है इसको आपने नीचे लेके आने, इन सारे बीट्सों को आपने यहाँ पर नीचे लेके आने इसी तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। और जहाँ पर बीट खत्म होता है तो वहाँ पर आपने एड बीट करना है। आप वीडियो को गौर से देखते रहो इसी तरीके से। गैस, वीडियो थोड़ा लंबे होने वाले तो आपने वीडियो से बिल्कुल भी भागना नहीं। तो इस बीट को नीचे लेके आने के बाद यहाँ पर जो सेकंड नंबर बीट है इसको आपने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लेके आना है, ठीक है, 2x करना है और यहाँ पर हर सेकेंड बीट को आपने यहाँ पर थोड़ा ऊपर लेके आना है, 0.2x करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने वीडियो के एंड तक एडजस्ट करना है, हर सेकेंड बीट के बाद आपने बीट को थोड़ा ऊपर लेके आना है और नीचे जो मेक इट स्मूदर का ऑप्शन है फिर से आपने इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपने बेटर क्वालिटी पर क्लिक करना, नीचे आपने टिक पर क्लिक करना है। तो गैस, यहाँ पर हमारे वीडियो में आईफोन जैसा स्मूथ स्लोमो ऐड हो चुका है। तो गैस, यहाँ पर आपने एंड में जाने
और यहाँ पर जो इस लैट इफेक्ट का जो साउंड है तो वहाँ पर भी आपने बीट करना है, ठीक है। तो आपने बीट्स में जाने और जहाँ पर आपको लगता है इस जहाँ पर शार्ट लैट इफेक्ट का साउंड है तो वहाँ पर आपने इसी तरीके से बीट को ऐड करना है, ठीक है। तो गैस यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर आपने इस वीडियो के ऊपर जो रिफ्ले वाला पार्ट है, इस शॉट का जो रिफ्ले है उसको आपने यहाँ पर स्प्लिट करने और उसको आपने यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। तो गैस यहाँ पर ये जो रिफ्ले वाला पार्ट है इसको लेके आने के बाद जहाँ पर बैट्समैन शॉट मारता है तो उसको आपने यहाँ पर इस बीट के नीचे एडजस्ट करना है, ठीक है। आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको जहाँ पर लगता हो तो आपने साउंड को थोड़ा प्ले करना है और यहाँ पर आपको लगता हो जो बैट का टक वाला साउंड है, ये जो बीट है, तो बैट्समैन जहाँ पर शॉट मारता है तो उस बीट को आपने वहाँ पर एडजस्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपने वीडियो को थोड़ा प्ले करना है और यहाँ पर आपको लास्ट में जो फ्लेयर का रिएक्शन वाला पार्ट है उसको आपने यहाँ पर कट करना है और यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट करना है और इस लास्ट वाले पार्ट के ऊपर आपने क्लिक करने, स्पीड में आ जाने और नॉर्मल में आ जाने और यहाँ पर आपने स्पीड को थोड़ा सा कम करने जो आपके साउंड के बराबर हो जाए, ठीक है। और नीचे मेक इट स्मूदर का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है और बीट बेटर क्वालिटी पर आपने क्लिक करना है। तो चले गए, ये हमारे साथ एडजस्ट हो गया, तो इसको हम यहाँ पर एक बार प्ले करते हैं कि कैसे बन चुका है हमारा वीडियो। तो गैस आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से स्मूथ स्लोमो हमारे वीडियो के ऊपर ऐड हो चुका है। तो गैस यहाँ पर बारी आता है आपने इस वीडियो के ऊपर लाइट इफेक्ट कैसे ऐड करने, शॉर्ट लाइट इफेक्ट कैसे ऐड करने, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है। तो गैस इसके लिए आपने नीचे जो स्टेकर का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करने और यहाँ पर ये जो ऊपर ऑप्शन है इसको आपने स्क्रॉल करने और यहाँ पर आपको स्टार वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करने है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इफेक्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस इफेक्ट को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो येलो लाइट इफेक्ट आपको देखने को नज़र आ रहा है तो इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपने टिक पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो बॉलर बाल कर रहा है तो इस टेकर को आपने यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल करना है और यहाँ पर आपने बैट्समैन के ऊपर इसको एडजस्ट करना है। वीडियो को और से देखे, इसी तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर इस साउंड में ट्रीट वाला इफेक्ट है तो वहाँ पर आपने इसके नीचे इस ट्रैकर को एडजस्ट करना है, ठीक है। और बैट्समैन के ऊपर लगाना है और इस ट्रैकर को आपने यहाँ पर कट करना है, ठीक है। तो गैस इसी तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी मेरी बात। तो नेक्स्ट आपने वीडियो को थोड़ा आगे लेके आने और जहाँ पर बैट्समैन शॉट मारता है तो वहाँ पर आपने फिर से स्टेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने और फिर से आपने स्टार वाले इफेक्ट में जाने और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जो ग्रीन लाइट इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और इस इफेक्ट को जहाँ पर बैट्समैन जहाँ पर बॉल बैट से लगता है तो वह उसके ऊपर आपने इस इफेक्ट को एडजस्ट करना है और इसको आपने थोड़ा सा स्मॉल करना है, ठीक है, इसी तरीके से। और यहाँ पर नीचे जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपने यहाँ पर कट करना है, ठीक है। इस स्टेकर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपने कट करना है और इसको आपने इसी तरीके से एडजस्ट करना है। तो गाइस यहाँ पर इसके बाद आपने वीडियो को थोड़ा आगे लेके आना है और यहाँ पर जो रिप्ले वाला पार्ट है यहाँ पर आपने आना है और स्टेकर में जाना है और फिर से आपने स्टार वाले इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप जो भी ट्राई पसंद आता है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और इफेक्ट को हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, जो ब्लू वाला लाइट इफेक्ट है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो रिप्ले वाला पार्ट है यहाँ पर आपने बैट्समैन के ऊपर एडजस्ट करना है इसी तरीके से जैसे पहले आपने किया। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो स्टेकर है इसको आपने यहाँ पर रिमूव करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने फिर से थोड़ा वीडियो को आगे लेके आना और यहाँ पर जो बैट्समैन शॉट मारता है तो फिर से आपने स्टेकर में जाना है, फिर से स्टार इफेक्ट में जाना है और फिर से आपने यहाँ पर जो आपको बेस्ट लगे उसको आपने यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर बैट बॉल से लगता है तो उसके नीचे आपने इस इफेक्ट को इसी तरीके से एडजस्ट करना है। और यहाँ पर आपको लास्ट में जो रिएक्शन वाला इफेक्ट है शायद आपका, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एनिमेशन में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो इन में जाने और यहाँ पर जो रॉक वेलिटी का ऑप्शन है आपने इस इफेक्ट के ऊपर क्लिक करने और नीचे इसका ड्यूरेशन आपने 0.5 सेकंड तक रखने और नीचे आपने टिक पर क्लिक करने, तो यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर इफेक्ट भी अप्लाई हो गया। तो फाइनली गैस हमारा जो वीडियो कंप्लीट हो गया है तो इसको हम यहाँ पर एक बार प्ले करते हैं। तो गैस आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से स्मूथ स्लोमो लाइट इफेक्ट और इस तरह की और इफेक्ट कितने अच्छे तरीके से ऐड हो चुका है, जो कि देखने में बिल्कुल अमेजिंग लग रहा है। तो आप भी कुछ स्टेप्स इस तरह की वीडियो को क्रिएट कर सकते हो, जो कि आजकल टिकटॉक के ऊपर बहुत बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। इंस्टाग्राम की रील्स पर आजकल तो हद ही करता है ये वीडियो।
और हाँ गाइज, आप इस तरह की साउंड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तो इस साउंड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने नीचे टिकटॉक का लिंक दिया हुआ है, ये वीडियो मैंने टिकटॉक पर भी अपलोड किया है, तो वहाँ आप जाकर मेरे टिकटॉक को ज़रूर फॉलो करना। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय।